आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि जब राम सेतु बन रहा था तो जितने भी वानर सेना थे वो जब कोई पत्थर डालते थे तो पत्थर तैरता था, राम का नाम लिखा हुआ रहता था उस पर, और जब खुद भगवान राम फेंकते थे पत्थर तो पत्थर डूब जाता था। क्या कारण था इसका? जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम माता सीता की खोज में भटकते लंका तट पर जा पहुंचे थे उस वक्त की घटना है ये। जब राम सेना को ये ज्ञात हुआ कि माता सीता को रावण हर ले गया है और माता सीता लंका में है, तब निश्चय किया गया कि लंका पर चढ़ाई करने के अलावा कोई विकल्प शेष ही नहीं है। तो लंका कैसे पहुंचा जाए ये विकट समस्या थी। अथाह समुद्र के उस पार लंका तक पहुंचना लगभग असंभव था। तय किया गया कि समुद्र के ऊपर सेतु का निर्माण किया जाए। नल, नील और वानर सेना ने पुल निर्माण का काम शुरू किया। कहते हैं कि विशाल पुल वानर सेना द्वारा केवल 5 दिनों में तैयार कर लिया गया था। कहते हैं कि निर्माण पूर्ण होने के बाद इस पुल की लंबाई 30 किलोमीटर और चौड़ाई 3 किलोमीटर थी। जब पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ तो वानर ने राम नाम लिख पत्थर समंदर में फेंकना शुरू किया। पाराश्चर्य की बात यह थी कि एक भी पत्थर डूब नहीं रहा था, सब समंदर पे तैरने लगते थे। बड़ी विचित्र स्थिति को देख श्री राम ने एक पत्थर उठाकर समंदर में फेंका और देखा कि वो पत्थर डूब गया और भगवान श्री राम व्याकुल हो उठे कि भाई मेरा नाम लिखा पत्थर समंदर में तैरने लगता है और जब मैं खुद ही पत्थर डालता हूं तो डूब जाता है। श्री राम जब सोच में डूबे हुए थे तो हनुमान जी उन्हें दूर से देख रहे थे। श्री राम की स्थिति को देखकर महाबली हनुमान राम के पास गए और पूछा कि हे प्रभु, आप किस ध्यान में डूबे हैं और आपकी व्याकुलता का रहस्य क्या है? इस पर श्री राम ने कहा था कि हे अंजनी पुत्र, मैं इस सोच में डूबा हूं कि ये वानर मेरा नाम लिख लिख कर पत्थर समुद्र में डाल रहे हैं और ये पत्थर तैरने लगते हैं, और जब मैंने खुद ही ये पत्थर समुद्र में डाला तो डूब गया, ऐसा क्यों? हनुमान जी ने हाथ जोड़कर प्रभु को कहा कि हे प्रभु, इन पत्थरों पर राम नाम लिखा होने से आप इन पत्थरों को डूबने से बचा रहे हैं, पर जब आप स्वयं ही किसी चीज का त्याग कर देते हैं तो फिर वो कैसे जीवित रह सकता है? अपने पत्थरों को फेंक कर उसका त्याग कर दिया तो उसे तो डूबना ही था। जय श्री राम। तो ये है राम नाम का मतलब पावर, पावर ही कह लीजिए। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।